दिस इज 92.7 बिग एफएम। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अन्नू कपूर हाजिर हूं आपके साथ चलने के लिए, कंधे से कंधा मिलाकर, दिल से दिल मिलाकर आपका दिल बहलाने के लिए उस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो अफसाने आपके लिए लाया हूं वो कुछ इस प्रकार है। अलका याग्निक की अनुराधा पोड़वाल से नाराजगी फिल्म इतिहास के गानों को लेकर। फिर कहानी एक सुपरहिट फिल्म की जिसे महेश भट्ट ने लिखा था, फिल्म के गीतों के कारण। रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री उर्मिला मातोंडकर को। हमारा नया सेगमेंट फिल्मी मिस्टेक का, इसमें आज हम बताएंगे फिल्म एक विलन की एक फिल्मी मिस्टेक। और अंत में मुंबई से हमारे श्रोता राहुल किशोर त्रिवेदी का प्रश्न। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सफर की। संगीतकार दिलीप सेन समीर सेन के म्यूजिक से सजी राज कवर की फिल्म इतिहास के सभी 8 गीतों में फीमेल वॉइस अलका याग्निक की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि राज कवर की इस फिल्म के म्यूजिक राइट्स शुरुआत में ABCL के पास थे, मगर फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण ABCL बेहतर तरीके से म्यूजिक की पब्लिसिटी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से कई महीनों तक फिल्म की कैसेट्स नहीं बिकी। ऐसे में राजकंवर के भाई और पार्टनर के पप्पू मिले गुलशन कुमार से और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीद लें और प्रमोट करें। गुलशन कुमार राजी हो गए, मगर उन्होंने राइट्स खरीदने से पहले यह साफ कह दिया कि उनकी कंपनी की पॉलिसी के तहत उनके प्लेबैक सिंगर 1 या 2 गीत जरूर गाएंगे या डब करेंगे। टी सीरीज ने म्यूजिक राइट्स खरीदने के बाद टाइटल सॉन्ग समेत 3 गीतों को अनुराधा पोड़वाल की आवाज में डब कर दिया। ये बात जब बाद में अलका याग्निक को पता चली तो वो अनुराधा पोड़वाल के इस अनप्रोफेशनल रवैये से बहुत नाराज हुई, क्योंकि अनुराधा पोड़वाल फिल्म दिल के समय भी ऐसा कर चुकी थी, जिसके बाद नाराज अलका के कंप्लेंट करने पर फिल्म में अलका याग्निक का वर्जन रखा गया। अब इसमें मुझे ऐसा लगता है कि नाराजगी एक दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। ये जो म्यूजिक राइट्स खरीदने वाली कंपनी है गुलशन कुमार की है, उनके पास जो उनसे होना चाहिए। अब सिंगर क्या करेगा, सिंगर तो, ऐसा मेरा सोचना है। बात 1989 की है, जब गुलशन कुमार नदीम श्रवण के संगीत से सजे कुछ रोमांटिक गानों का प्राइवेट एल्बम निकालने की तैयारी में थे। गीतों के रिकॉर्ड होने के बाद जब ये गीत महेश भट्ट ने सुने तो उन्हें बड़े भा गए, बहुत पसंद आए। महेश भट्ट ने गुलशन कुमार से कहा कि आपकी एल्बम का म्यूजिक तो फिल्म के म्यूजिक के लिए परफेक्ट है, मैं चाहता हूं कि आप इसे प्राइवेट रिलीज करने की बजाय किसी फिल्म के लिए संभाल कर रखें। गुलशन कुमार की म्यूजिक कंपनी टी सीरीज उन दिनों प्राइवेट एल्बम ही रिलीज किया करती थी। महेश भट्ट की सलाह से गुलशन कुमार ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने महेश भट्ट से कहा कि भट्ट साहब, मैं कहां फिल्म मेकर्स के चक्कर लगाता रहूंगा इन गीतों को लेकर। लेकिन महेश भट्ट को ये गीत बहुत पसंद आ गए थे, तो उन्होंने गुलशन कुमार से कहा, आप चिंता मत करो, मैं इन गानों को ध्यान में रखकर स्पेशल एक स्टोरी लिखता हूं फिल्म की। फिल्म की स्टोरी उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। गुलशन कुमार राजी हो गए। जल्दी महेश भट्ट ने इन गीतों को लेकर एक रोमांटिक फिल्म बनाई, यानी गीतों की वजह से फिल्म की स्टोरी लिखी गई, गीतों के कारण एक फिल्म बनाई गई। इन गीतों ने गुलशन कुमार, म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण और सिंगर कुमार शानू और अनुराधा पोड़वाल को सफलता की बुलंदियों पर लाकर खड़ा कर दिया। जब ये गीत लोगों ने सुने, फिल्म का म्यूजिक इतना बड़ा हिट हो गया कि टी सीरीज ने 1 करोड़ म्यूजिक कैसेट्स की सेल के बाद गिनती ही बंद कर दी थी। इस फिल्म का नाम था आशिकी। आइए वो सेगमेंट जिसका नाम है तुमने पुकारा और हम चले आए। हेलो सर, नमस्कार, प्रदीप जोशी बोल रहा हूँ, सिंपली जयपुर जोधपुर से। अच्छा अच्छा जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे जनाब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम सुनते हैं हम लोग। जी, धन्यवाद। दिन में उसके बगैर गाड़ी नहीं चलती, ये समझ लीजिए आप। हमेशा आपकी गाड़ी चलती रहे और स्मूथली चलती रहे, इसी की प्रार्थना है, यही बेस्ट विशेस है। शुक्रिया शुक्रिया जनाब जी। कुछ पूछना है, कुछ फरमाइश आपकी सुनवाऊं, पूरी करूं, जो भी कहना चाहें, क्योंकि ये सेगमेंट ही है आप लोगों का,
जहाँ पे मुझे मौका मिलता है आपसे रूबरू होने का, कम से कम आवाज के जरिए ही। जी जरूर। मेरी गाने की फरमाइश है जी, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी भरी बरसात में पी लेने दो। नाजायज फिल्म। ओके जी, अच्छा लगा आपसे बात कर। और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बस सर, आप अच्छा शो करते हैं और इसी तरह हमारा एंटरटेनमेंट भी और नॉलेज भी बढ़ाते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री उर्मिला मातोंडकर को। उर्मिला मातोंडकर का जन्म 4 फरवरी 1974 को बंबई में हुआ। आपके पिता शिवेंद्र सिंह टीचर और माताजी रुखसाना गृहिणी। परिवार में 3 बहनों और 1 भाई में उर्मिला 3रे नंबर की हैं। उर्मिला मातोंडकर की बड़ी बहन ममता भी टीवी आर्टिस्ट हैं। उर्मिला ने अपनी पढ़ाई पुणे विश्वविद्यालय से की और एक्टिंग की शुरुआत हुई बतौर बाल कलाकार 1980 में आई फिल्म से, जिसका टाइटल था कलयुग। आने वाले कुछ सालों में उर्मिला मातोंडकर ने मासूम, भावना और डकैत जैसी फिल्मों में काम किया। इस दौरान उर्मिला कथासागर, जिंदगी, एक भूल, तितलियां, इंद्रधनुष जैसे टीवी सीरियल्स भी करती रहीं। लीड एक्ट्रेस के तौर पर शुरुआत करने से पहले उर्मिला ने 1989 में कमल हासन की मलयालम फिल्म चाणक्यन में भी काम किया और एज ए हीरोइन उर्मिला की शुरुआत हुई 1991 में आई एन चंद्रा की फिल्म नरसिम्हा से। और आगे उर्मिला ने चमत्कार, द्रोही, श्रीमान आशिक, आ गले लग जा इत्यादि फिल्मों में काम किया। असली स्टारडम मिला 1995 में आई फिल्म रंगीला से। आमिर खान के अपोजिट इस फिल्म में उर्मिला के ग्लैमरस रोल को बड़ा सराहा गया, वो बड़ी चर्चा में आ गई। उसके बाद जुदाई, अफलातून, सत्या, कौन, जंगल, प्यार तूने क्या किया, दीवानगी और भूत इनकी प्रमुख उल्लेखनीय फिल्में रहीं। ग्लैमरस रोल से अलग उर्मिला ने पिंजर, नैना और मैंने गांधी को नहीं मारा जैसी सार्थक फिल्मों में भी काम किया। 2011 में उर्मिला टीवी के डांस रियलिटी शो में जज भी रही। आखिरी बार उर्मिला 2014 की मराठी फिल्म अजूबा में दिखाई दी। सुश्री उर्मिला मातोंडकर का विवाह 3 मार्च 2016 में मॉडल और बिजनेसमैन मोहसिन अख्तर मीर से हुआ, जिनसे इनकी मुलाकात डिजाइनर इनके दोस्त मनीष मल्होत्रा की भांजी की शादी में हुई थी। उर्मिला मातोंडकर अपने वैवाहिक जीवन में सुखी रहें और दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना है। बड़े प्रेम और आदर के साथ हमने उनको याद किया। अगर वो सुन रही हों तो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। फिल्मी मिस्टेक। फिल्म एक विलन में की गई एक कंटिन्यूटी मिस्टेक के बारे में अपने श्रोताओं को अवगत कराना हमारा धर्म है। हर लव स्टोरी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलन, पर ये लव स्टोरी एक विलन की है। तुम सब की निकलती जान के साथ मेरी हर चिंता, सारी स्ट्रेस भी निकल जाती है। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझे रोज मारूंगा। ए विलेन, ए विलेन। याद दिलाना चाहूंगा कि फिल्म में एक फेमस गीत है, गलियां तेरी गलियां, याद है ना? गाने के बीच में आप देखेंगे कि श्रद्धा कपूर सुबह सोकर उठती है तो उसे घर के बाहर स्नोफॉल होता हुआ दिखाई देता है। बड़ी खुश हो जाती है। नीचे आकर जब उसकी छत पर नजर पड़ती है तो देखती है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा मशीन से आर्टिफिशियल स्नोफॉल कर रहा होता है। चलो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके तुरंत बाद सिद्धार्थ नीचे आकर खुशी से झूमती हुई श्रद्धा कपूर की फोटो क्लिक करता है, मगर इस दौरान भी स्नोफॉल जारी रहता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब वो नीचे आया तो भी स्नोफॉल कैसे जारी रहा? या तो वो किसी और को एक काम सौंप कर आया था तो एस्टैब्लिश करना था, और फिर भी स्नोफॉल जारी रहा तो यह है कि स्नोफॉल हो गया होगा। आज मुंबई से राहुल किशोर त्रिवेदी ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या रेखा ने कभी धर्मेंद्र के साथ किसी फिल्म में काम किया है। त्रिवेदी साहब, बिल्कुल किया है। सबसे पहले किया 1973 में आई 2 फिल्में, पहली कहानी किस्मत की और दूसरी कीमत, तीसरी
1975 में विश्वजीत की फिल्म कहते हैं मुझको राजा। चौथी फिल्म 1979 की कर्तव्य। पांचवी फिल्म विजय आनंद की 1980 की राम बलराम। लेकिन इसमें ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं थे हीरो हीरोइन। सिक्स्थ 1982 की फिल्म गजब। 1984 की दो फिल्में बाजी और झूठा सच। 1987 की फिल्म जान हथेली पे। 1988 की फिल्म जूरमा भोपाली। और आखिरी फिल्म थी 1989 में आई कसम सुहाग की। इस तरह रेखा ने धर्मेंद्र के साथ कुल 11 फिल्मों में काम किया। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जवाब से संतुष्ट होंगे। आप सुनने वालों के पास इस सिलसिले में कोई और जानकारी उपलब्ध हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। चलता हूं, प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। जय भारत। वंदे मातरम।